26 साल का जब मैं था तो मैंने लव मैरिज की थी, और जिस लड़की से मैंने लव मैरिज की थी उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे और मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, फिर भी मैं शादी करके उस लड़की को अपने घर ले आया। 3 ही दिन हुए थे, मेरे पापा ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इस घर में या तो तुम दोनों रहोगे या हम दोनों, फैसला तू कर ले, इस घर में तेरे को हम नहीं रह सकते। मेरे पापा मेरे आदर्श रहे, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता था कि जिस लड़की को मैं अपने घर लेकर आया हूँ उसके घर वाले तो वैसे ही नाराज कर दिए और मैं भी छोड़ दूँ ना। और मैंने फैसला किया कि हम इसी शहर में कहीं किराए के ऊपर रहा करेंगे। 25 साल हो गए आज, मेरा मेरे पापा से कोई बोल चाल तक नहीं है। मैं हर रात रोता हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी ये वो सब कुछ किया, और मैं इतना गंदा कि उसकी भावनाओं को कोई ख्याल नहीं रखा, और 25 साल से कितना तकलीफ वो सहन कर रहा होगा, क्या मेरे से गंदा भी कोई इंसान हो? आई वॉन्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बींग, मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। वो हंसने लगा, कहता है सच ए स्मॉल प्रॉब्लम, ये तो छुट्टियों में ठीक हो जाएगी, एक एक्सरसाइज होगा करोगे? यस सर करूँगा। क्या करना है? इतना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज है, घर जाके अपने पापा को सिर्फ 4 शब्द बोलने हैं, आई लव यू पापा, बस इतना। बोल पाओगे? हाँ जी बोल दूंगा। पापा कहाँ रहता है? इसी शहर में, दूसरी जगह। घर गया, पुराना टाइम था, लैंडलाइन फोन का नंबर घुमाया, उधर से किसने उठाया? मम्मी ने। हाँ बेटा पापा से बात करनी है। अरे हराम खोर, 25 साल हो गए बोले चाले, अब तू पापा से बात क्या बात करना चाहता है? आई लव यू बोलना चाहता है। बुढ़िया ने फोन उठा के रख दिया, तमीज, बुढ़ापे में हमें परेशान कर रहा है, और फोन पटक दिया। सारी रात बड़ा बड़ा सोचता रहा, क्या करूँ। अगले दिन सुबह सुबह कहाँ पहुँच गया? मम्मी पापा जी, जाके घंटी बजाई, दो ही सब भावना थी, या तो मम्मी दरवाजा खोले या तो, अगर मम्मी ने दरवाजा खोला तो पापा दूर होंगे, वहीं से गाड़ियाँ बकेंगी, और लव यू खत्म। किस्मत अच्छी थी, दरवाजा खुला और सामने कौन खड़ा था? देखते ही बाहों में भर लिया पापा से, उसको बाहों में भर लिया, और दोनों एक दूसरे को बाहों में कस रहे, और पापा का कान बेटे के मुंह के बिल्कुल सामने था। ही सेड लव यू। 5 सेकंड के बाद दोनों ने अपनी पाएं खोली, सारा दुख दर्द खत्म हो गया, और पापा एकदम से आराम से गिरे और वहीं पर। इतने दिन से हमने क्या कहा, पापा के मरने पर इतने दिन से वो फादर सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कब मेरे बेटे का दिमाग ठीक हो और वो अपनी गलती को सुधर लाए। मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ बेटा, सिर्फ दुनिया में 2 ही चीज़ मुझे दिखाई देती है, एक अच्छी